time! सॉरी सेठ जी, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, नाक भी बंद हो रखी है। तन, तेरी छींक जो है ना, उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ट्रक का टायर फट गया हो। अपने नाक में साइलेंसर लगवा ले, बता रहा हूं मैं तुझे। बात कर रहे अधिकार की जी। अरे आइए 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 बहन जी, बैठिए 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 बैठिए। भैया बांधनी वाला लहंगा मिलेगा? हाँ हाँ, लहंगा बेचने बैठे हैं यहाँ, कोई अमरूद तो बेचना रहे हैं। बांधनी लहंगा मिलेगा। अरे सुन टंटन, शेर जी पंचा। अरे हाँ भाई सुन, वो इन्हें बहन जी को जो है बांधनी लहंगा दिखा। वो जो कल माल आया ना नया वाला, वो दिखा। कल? हाँ शेर जी, वो तो 15 दिन पहले आया था ना। जी वो सेठ जी, हमें याद आ गया, हम अभी निकाल देते हैं। अभी निकाल निकाल, दिखा दिखा जी। बढ़िया माल, एकदम बहुत बढ़िया वाला है, लड़का दिखाएगा अभी। दिखाइए दिखाइए। ये वाला देखिए, ये आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा और रंग भी बहुत अच्छा है इसका। कढ़ाई बुनाई का काम देखिए, जयपुर से आया, 2 पीस बाकी है बस। नंबर क्या है? हाँ जी, नंबर साइज जी, वो एडजस्ट हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है वो। कौन सा कलर मुझ पर अच्छा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगेगा आप पर, और ये देखिए, ये वाला तो लाल, ये वाला भी आप पे काफी अच्छा लगेगा। वैसे बड़े क्यूट हो आप। क्या बदतमीजी है भैया, ये तुमको तमीज नहीं है छींकने की? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई लहंगा महंगा, मुंह पे छींक दिया। सॉरी सॉरी मैडम जी, वो हमसे गलती हो गई, आप प्लीज बैठ जाइए सर जी। अरे नहीं बहन जी, बदतमीजी कर गया, ये कर गया ना, मैं मान कर गया। अबे सन, तुझे छींक आए तो पता है क्या बोलियो, अगली बार जब आए कहियो मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, समझ में आया? जी सेठ जी, हम समझ गए, आप प्लीज बैठिए। मैडम जी, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती होगी, आप प्लीज 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 बैठिए बैठिए प्लीज। वो जुकाम हो गया थोड़ा, माफ कर दीजिए मैडम जी। ये वाला देखिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगे एक बारी जी। और दिखाइए और दिखाइए। ये वाला, इसकी कढ़ाई देखिए मैडम जी। Disgusting! ये इस इंसान को इतनी भी तमीज नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई लहंगा महंगा, अपना लहंगा अपने पास रखो। एक बार सुनिए, गलती होगी मैडम जी, हमसे सच में गलती होगी। वो अबे सुन, इधर आ। सर जी, हमसे गलती होगी, वो हमने बोला था मैडम मैडम। अरे तूने मैडम मैडम क्या बोला था, मैंने तुझसे कहा था कि मैडम आ रही है, मैडम आ रही है बोलियो। मैंने तुझे ग्राहक भगाने के लिए रखा यहाँ पे, सुबह सुबह तूने अब शोर कर दिया। अरे दवाई ना ले सकता अपनी सर्दी की? सेठ जी हमने कोशिश की थी, पर दवाई बहुत महंगी है सेठ जी। इस तनख्वाह में हम मुश्किल से अपना राशन मंगवा पाते हैं, खाना खा पाते हैं। अगर हो सके तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए सेठ जी हमारे। ये घूम रही, तेरी तनख्वाह ना हो गई, तेरी सर्दी का काढ़ा हो गया। अरे मैं तुझे घरेलू बता रहा हूँ नुस्खा, समझ रहा है, सस्ता वाला। घर जाके अपने ऊपर तो यहाँ बरसाती में गर्म पानी की भाप ले लियो, और मैं सब पंचम से कहियो कि वो उसका तुलसी का काढ़ा बनाकर तुझे पिलाए, कल तक ठीक हो जाएगा। पर सेठ जी, अबे सन, मैं अभी जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखियो, समझ में आ रहा है? क्या चल रहा है? बदकिस्मती चल रही है इलायची जी, गरीबी ना हर मोड़ पे हमें जीत दिखा रही है। ओ, क्या हुआ मेरे बेबी को सुबह सुबह?
क्या बेबी बेबी इलायची जी, छोड़िए ना, हमें लग रहा है हम ना बाबा बन के हिमालय चले जाएंगे और संन्यास ले लेंगे, पहाड़ों में जाके बस जाएंगे हम। इलायची जी आप एक बार ही देखिए तो सही, हम आपको एक रुपये की चीज नहीं दे पाते हैं। तो जी जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया ना, आपका क्यूटू सा दिल जो मैंने यूं जकड़ के रख लिया है अपने पास, कब्जा कर लिया आपके दिल पे। इलायची जी मजाक की बात नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि हम आपके लायक ही नहीं, और हमें पता चल चुका है कि हमारी औकात ही नहीं है, हमें हमारी असलियत पता चल चुकी है। अब देखिए ना यार, अब आपसे करोल भाग गए थे, वो टेडी लेने जो आपको बहुत पसंद आया था, और जब कीमत सुनी तो तनख्वाह से दो गुनी ज्यादा, अब आप ही बताइए लें भी तो कैसे लें। आपको पता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि ना हम आपके बॉयफ्रेंड बनने लायक ही नहीं है, ना आपकी कोई ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं, ना आपकी कोई इच्छा पूरी कर पाते हैं, ना आपके लिए चीजें ले पाते हैं, ना आपको कहीं पे, छोड़िए ये सब, गोलगप्पों के पैसे भी आप देती हैं। अबे ओ मजनू, अरे प्यार करने की औकात नहीं है तो दिल लगाता क्यों है गरीब मजनू है? जीजा जी, ये कौन था? छोड़िए ना, जो भी था सही तो कह रहा है। देखिए हमें सच में ये लगता है कि हम आपके लायक नहीं है, साफ सी बात है इलायची जी, हमारी तबीयत खराब है और दवाई लेने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि यही समझदारी होगी, हम सही नहीं कर रहे हैं, आप हमसे बहुत बेहतर इंसान, मतलब क्या क्या मतलब, आपको पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब? आप अकेले इसमें, मतलब आप अकेले डिसाइड करेंगे कि हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं? जी सच में कैसे इंसान है आप? हाँ मेरा सच्चा प्यार आप थोड़े से पैसे और मतलब गिफ्ट्स के साथ तोल रहे हैं? क्या लगता है मतलब इतनी गई गुजरी इतनी गिरी हुई लड़की हूँ मैं? हाँ यही यही प्यार है दोनों के बीच, है ना? राइट? नहीं नहीं ये क्या, नहीं शट अप, मुझे सॉरी मैं जा रही हूँ, मैं मुझे नहीं करनी बात, मैं नहीं कर पाऊंगी। हमारी बात तो सुनिए एक बारी, हम बस इतना कह रहे थे कि इलायची जी अब एक बारी। अरे 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 आओ सेठ जी आओ, मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। मेरी ये दवाई आपकी और लपकते हुए बुढ़ापे को दूर भगा देगी। ना वो बात ना है। अरे छोड़ो सेठ जी, हमसे क्या छिपा रहे हो, सर्दी और जुकाम के लिए थोड़े ही ना आए होगे। क्यों किसी आदमी को कोई तकलीफ ना हो सकती है, बात कर रहे हो बेकार की। सेठ जी दिमाग ना भन्ना हो, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है कि कहीं से तुम बीमार लग रहे हो। मेरी दुकान में जो नौकर है ना टन, हाँ मैं उसके लिए जुकाम की दवाइयाँ मतलब सोच रहा था कहीं से ले लूं, तो ऐसी जगह आना चाह रहा था जहाँ थोड़ी सी दवा सस्ती मिले और उसका काम भी हो जाए। एकदम अच्छी जगह आए हो सेठ जी। अच्छा ऐसा है कि मेरी ये दवाई अच्छे अच्छे लोगों का खात्मा कर डालती है, अब मेरा मतलब है बीमारी का खात्मा कर डालती है। और वैसे जुकाम के साथ एक पुड़िया शक्तिवर्धक भी डाल दूं? दरोगा साहब तो रोज की फाक लेते हैं। ना, मुझे ये शक्तिवर्धक दवा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप जुकाम की दवा दे दो बस। ठीक आगिम जी दवा। अरे दरोगा साहब ये आपकी पुड़िया तैयार है, लीजिए। अपना वो हकीम जी ना, वो जो पिंकी जी के पेट में दर्द हो रहा था ना पहले, वो अब ठीक हो गया वो, तो अब दवा की पिंकी जी को जरूरत है, पिंकी जी बोल रहे हैं। असली दवाई तो आप भूले ही जा रहे हो, ये पूरे महीने भर का कोटा बांध दिया है शक्तिवर्धक चूरण। सेठ जी को बताओ तो सही मेरी दवाई कितनी चमत्कारी है, दरोगा साहब में तो घोड़ी सी फुर्ती आ गई है। क्यों गधा है? वैसे सेठ जी आप यहाँ कौन सी दवा लेने आए? मैं वो उस टंटन के लिए जुकाम की दवा लेने आया हूँ, लेकिन आप अपनी दवा ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक खत्म हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी आपको।
क्या भैया छोटे कैसे मुंह उतर रहे हो? राजेंद्र कुछ ना पूछ, मुझे ना ये सोच के टेंशन हो रही है कि जब सेठ जी को पता चलेगा ना कि ये मोहल्ला छोड़ के चांदनी चौक छोड़ के सेठ जी को छोड़ के मैं दुबई जा रहा हूँ, पता नहीं सेठ जी मतलब क्या हाल करेंगे मेरा, कौन से पैर की चप्पल मेरे मुंह पे कैसे मारेंगे मेरी समझ में ना आ रही है। छोटे भैया सच्ची कह रहा हूँ, दोस्ती में चप्पल खाने से पुण्य मिलता है। भैया छोटे एक सच्ची सच्ची बात बताऊँ, तेरी अभी जिंदगी की गाड़ी में ना अभी पेट्रोल भरो है फुल टैंक, तो चाहे खड़ी खड़ी बिता दे चाहे उड़ जा फुर्र सा स्पीड पकड़ के बाहर, तेरे ऊपर। तू जो बोल लिया ना विजेंद्र वो सब सही है, वो मेरे भले के लिए बोल लिया है कि तू सेठ जी को ना जानता जितना मैं जानता हूँ। सेठ जी का दिल कैसा एक छोटे बच्चे की तरह है, मेरी मालिश मालिश के बिना उनका मन ही ना भरता, उनकी दिन भर की थकान दूर ना होती जब तक मुझसे मसाज ना करवा ले मालिश ना करवा ले। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं मतलब मजबूरी में जा रहा हूँ, मेरा मन ना हो रहा है ऐसे। सारी लफंडरगिरी साथ में की हमने, हर अच्छे काम की बुरे काम की जैसी भी काम रहे हमने साथ में शुरुआत की है, सेठ जी के साथ हर पल बिताया अच्छा बुरा जैसा भी हो। बड़ी मुश्किल में मैंने सेठ जी को ना अपने जैसा चुलबुला बनाया, मस्त मौला बनाया, और जब दोस्ती काटने के बड़े अच्छे दिन आ रहे ना तो अब जाने का टाइम हो रहा है, बताओ सेठ जी को कैसे समझाऊंगा मैं। छोटे भैया तुम उस बात की चिंता मत करो, उन्हें अपने जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी, उन्हें ऐसा चुलबुला बना दूंगा कि तुम दुबई में बैठे बैठे खुशी से चौड़े हो जाओगे। कैसा बना देगा चुलबुला? पहले पहले खुद तो बन ले। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी दुबई जाने की जो खबर है ना सेठ जी की जिंदगी को रेगिस्तान ना बना दे, सेठ जी तो यही समझेंगे ना कि मैं लालच में जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी ना समझेंगे सेठ जी, वो ऐसे समझेंगे कि छोटे गया तो गया, उनको मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं आऊंगा एक दिन लौट के जरूर आऊंगा अपने चांदनी चौक में आऊंगा मैं। तो फिर सेठ जी कैसे समझाएगा? उसका रास्ता ढूंढ लिया बजेंद्र मैंने, बुरा लगेगा थोड़े दिन बुरा लगेगा सेठ जी को, लेकिन सेठ जी के दिल में मैं इतनी नफरत भर दूंगा ना, सेठ जी अपने आप बोलेंगे छोटे तू मेरी नजरों से दूर हो जा, बस जहर भर दूंगा मैं अपने लिए सेठ जी के दिल में। मंगीलाल सुना तूने? देख रही है मतलब छोटे अपनी दोस्ती के कुतुब मीनार पे चढ़ रही है, वो मतलब सेठ जी को बुरा ना लगे इसलिए छोटे अपना दिल जो है ना वो ओखली में डालती है जी। पिंकी जी ने ना देखी कभी ऐसी दोस्ती, कभी ना देखी, पिंकी जी बोल रहे हैं। दे दे कैसा लग रहा है मुझे बता पहले। अरे जीजी तुझसे एक बात कहना थी भैया, हमें बहुत दिन से तूने खीर नहीं बनाई, वो केसर वाली तरह बना दिया, कैसी बहन है तू यार, भैया का ख्याल ही ना करती कतई। वो अच्छा टंकी भैया आजकल है ना हम लोगों ने मीठे से जरा परहेज कर रखा है, वो क्योंकि इलायची के पापा ना मुझे टोक रहे थे, कह रहे थे मेरा वजन बढ़ गया। कैसी पागलों वाली बातें करती है तुम्हें, अरे तू अपने हाथ से खाती बनाती है तो तन पे लगता है, इसमें दूसरे क्या दिक्कत। देख मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ, इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़, समझ गई तू, बातें कर ले। चक्कर से याद आया हमें एक बात कहना चाह रहे हैं तुझसे, पता नहीं आजकल बड़े कमजोरी सी लग रही है हमें, कल जा रहे थे एकदम चक्कर आ गया हमें, तो अपने भैया को जरा मेवे वाली वो पंजीरी के लड्डू होते ना जरा खिला पिला भाई, हमें हमारे अंदर कुछ ताकत आ, फिर देखना दो चार को तो मैं ऐसे उठल उठल उठल। अरे ओ सुन मैं क्या कहने आया, मैं कह रहा था वो चूहे मारने की दवा आई है मार्केट में बहुत अच्छी वाली, तो एक काम करियो तू रोज जो है एक एक चम्मच अपने भाई को दे दे, है सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। इलायची के पापा तुम मेरे भाई को मारना क्यों चाहते हो, तेरे तो भाग ही फूट गए। समझ गया तो बात कोई ना समझती है पागल कहें कि नहीं, तो जीजा और साले का तो मजाक चलते ही रहता है, वो तो होना भी चाहिए बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। खैर जीजा वो तो खैर है ही मजाक, वो कुछ ऐसी एक पर्सनल सी बात कहनी थी तुम्हें। बोल। कुछ ऐसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा मांग लूं तुमसे, तो यार दे दो कुछ जरूरत है यार मेरे इस वक्त हमें, यार एक फूटी कौड़ी ना देने वाला हूँ तुझे, बात कर रहा है बेकार की। पापा हाँ हाँ चल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बता। अरे यार आप जीजा जी की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देते, मतलब उनके पास ना अपनी दवाई लेने तक के पैसे नहीं है। तुझे बड़ी चिंता हो रखी है ठन ठन की।
हाँ वाकई में उनकी जेब में ठनठन हो रखी है, बढ़ा दो ना पैसे अब। सुन मैं एक रुपया ना बढ़ाऊंगा उसका, और तू अगर कहेगी ना तो उसकी तनख्वाह से पैसे काट और लूंगा। तू भी बात कर रही है बेकार की। क्या पापा आपको शर्म आनी चाहिए यार, वो आपके लिए काम करते हैं, कम से कम उनकी बीमारी का खर्चा तो उठा ही सकते हैं आप, है ना? खर्चा उठा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि उसे गोद में उठा के पूरा शहर घुमा दूँ, लेकिन खर्चा ना उठा सकता। सीरियसली इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है पापा? क्यों मैं तुझे इंसान ना लग रहा हूँ? चार पैरों पे खड़ा हूँ, चारा चर रहा हूँ यहाँ पे, बोल मेरे सिंह निकले आए हैं, बात कर रही है तू भी बेकार की। अरे सुन बहुत बड़े डॉक्टर्स है, लेके आया हूँ दवा खुद उसके लिए, ले दिखा रहा हूँ तुझे, ये देख। सच्ची? हाँ तू जाके उसे दे दे, वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई लाए तो जरूर बहुत अच्छी होगी, अच्छे डॉक्टर से लेके आऊंगी मैं जाके जीजाजी को दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। जा जा दे 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 दे, उतना कहियो खा ले जल्दी से। जी प्लीज पी लो यार। नहीं पियेंगे। अरे थक गई हूँ बार बार बोल के, पी लो ना। नहीं हम नहीं पियेंगे। अरे पी लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? रिंगा रिंगा रोज सारा निकल जाएगा फिर। सांडे का तेल लगा रहे, लगाना पड़ेगा मतलब लगाना पड़ेगा। लो तनिक बालूम लगा लो, बालूम लगाया जाता है। चुप, दरवाजा बंद करो। अरे पी लो यार, कितना मन्नत मांगू अब मैं। हम नहीं पियेंगे इलायची जी बस। अरे यार देख लो यार, सुनो। क्यों नहीं पी रहे जीजा जी आप? अरे देखो ना ये लो एकदम सेम टू सेम आपके गालों के रंग वाला सूप लेकर आई आपके लिए। नहीं मैं तो टमाटर का सूप लेके आई हूँ, जीजा जी तो फूल के कद्दू की तरह हो चुके हैं। हंस लीजिए आप, हो गया आपका। हम नहीं पियेंगे सूप बस, हमारे भी कुछ उसूल है, आप हमारी हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालती है, हम तंग आ गए। तो जीजा जी मैं क्या करूं, आपको क्या जरूरत थी इतने भारी भरकम डायलॉग्स का इस्तेमाल करने की? मतलब इश्क करते हो आप मुझसे, कोई बिजनेस डील नहीं हुई है यहाँ पर कि अभी दुकान नहीं चल रही है तो फिर मैं आगे वाले के पास चली जाऊं, बढ़ जाऊं आगे, ऐसा नहीं होता है ना? ठीक है हम समझते हैं इस बात को, लेकिन आप भी तो समझिए, हमें बुरा लगता है इलायची जी कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। सच में बुरा लग रहा है ना? एक्चुअली मुझे भी बुरा लगने लगा है, तो आप एक काम कीजिए, आप ना छत पे से जाके कूद जाइए मेरे लिए। जी हाँ देखिए यार, मतलब मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ, शर्ट तक लेके आ गए भाई गिफ्ट में, उसके बदले में टांगे तोड़वा ही सकते हो, तो हिसाब बराबर हो जाएगा मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। जाओ। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ तो और कैसी बातें करूँ, जबरदस्ती हमारी प्यारी स्वीट सी लव स्टोरी में ना आप ये बेकार सा एंगल ला रहे हैं, अमीर लड़की और गरीब लड़का, क्या जरूरत है? अच्छा खासा चल रहा है उसमें भी इशू है। अरे यार मैं बता तो रही हूँ आपके पते की बात, ये कि बहुत जल्द आपके पास माल आने वाला है, जो मर्जी हो गिफ्ट देते रहना, बड़ा मजा आएगा। माल आने वाला इलायची जी, मतलब आप क्या इसके लिए बैंक लूटने वाली हो? घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्लान ना हमने कैंसिल कर दिया पहले ही। अरे अभी तो हम पापा से ना आपकी तनख्वाह बढ़वाने वाले हैं। पिंटू जी हा? जब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लोगे? अरे आपके लिए अब क्या बताए, पूछ रही तो आप बता देता हूँ गिफ्ट, मतलब आपको तो बढ़िया एकदम शाही कढ़ाई पनीर बना के आपको गिफ्ट करूंगा, आप मजे दिखाना। अच्छा तो ना पिंटू जी, जिस कढ़ाई में आप वो कढ़ाई पनीर बनाओगे ना, मैं ना वही कढ़ाई आपके मुंह पे दे मारूंगी। जिस दिन आएगा ना दिमाग में ढंग का कोई गिफ्ट का आइडिया, तब बुलाना मुझे, मैं जा रही हूँ। सुनीता जी बैठो, तो आप नाराज हो गई, आप समझ ना रही है, बताओ इसकी जो तनख्वाह बढ़ेगी ना, अरे यही गिफ्ट दे ले भाई, बहुत बड़ी बात, हम कहाँ से गिफ्ट दें, इतनी तनख्वाह है बताओ। प्लीज पिंटू जी तनख्वाह वनख्वाह की बात नहीं होती, बात ना मन की होती है, और वैसे भी आपसे तो कुछ होता है नहीं, ना आपसे कुछ होगा कभी। हाँ कुछ नहीं होता इनसे, कुछ नहीं कर सकती है, मैं तो जा रही हूँ। अरे देख रहा क्या कह रही है, हमसे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, क्या होता है? सही तो कह रही है। कितनी बड़ा यार तनख्वाह बढ़वा ले अपनी। तू अपना छोड़ो अब। इलायची जी हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, पर
ऐसे छोटे सपने क्यों दिखा रही हैं आप हमें? आपको पता तो है सेठ जी नाम पे जुल्म बढ़ा सकते हैं लेकिन तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाने वाले। ऐसा क्यों सोचते हैं पापा के बारे में? ये देखो ये स्पेशल दवाई जुकाम के लिए खुद जाके लेकर आए हैं और अब यही स्पेशल दवाई आपकी किस्मत चमकाएगी। कैसे? वो ऐसे कि सोचो ये पापा की स्पेशल दवाई कहीं आपको रिएक्शन कर गई तो उनकी कंजूसी उनकी जिंदगी में रायता फैला देगी। नहीं, नहीं 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 हम नहीं करेंगे। हाँ। अब फिर से हमें कुछ। हाँ। नहीं